Hey makeup lovers, I'm Sonali. Welcome back to my channel. तो friends, आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ Nykaa का haul video. ये haul video मैंने मतलब shoot किया है September में, लेकिन I don't know ये video कब आ रही है, because अब मैं हफ्ते में एक दिन video डालती हूँ guys, तो मैं बहुत ज़्यादा consistent नहीं हो सकती हूँ अपने timing के साथ में. जो मुझे लगता है कि ज़्यादा important है और आप लोग देखना पसंद करेंगे वो मैं पहले डालती हूँ और फिर वो बाद में डालती हूँ. तो ये फटाफट देखते हैं कि मैंने क्या ऑर्डर किया है और क्या मेरे पास आया है. तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या परचेज किया है, मैंने बहुत टाइम्स मैंने कभी भी कोई शीट मास्क परचेज नहीं किया था, लेकिन इस बार मैंने ये गार्नियर का शीट मास्क परचेज किया. आई लव्ड इट. मुझे बहुत मन था ये शीट मास्क को परचेज करने का, और उसको छू के ही लग रहा है कि इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स है यार, मतलब काफ़ी सेरम है इसमें. तो मैं इसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैंने कभी भी कोई शीट मास्क नहीं ट्राई किया है. 99 का है ये भी, और बाकी ब्रांड्स भी 99 का ही देते हैं, पर मैंने पता नहीं क्यों कभी नहीं परचेज किया. बट गार्नियर ने लॉन्च किया ना, तो मैं रुक ही नहीं पाई. मैंने कहा चलो ठीक है, बट ट्राई तो करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मुझे अपने हेयर से बहुत प्यार है और गोवा में मेरे हेयर बहुत ही डल और फ्रिजी हो जाते हैं कितना भी मैं केयर करूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं, वहाँ का वेदर बिल्कुल सूट नहीं करता मुझे. कोलकाता में आने के बाद मैंने अपने हेयर को काफ़ी केयर किया है, स्पा स्पा कर रही थी तो काफ़ी ठीक हो गया है और हेयर फॉल नहीं रुक रहा है. लेकिन इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया है, हिमालय एंटी हेयर फॉल हेयर ऑयल हेयर न्यूट्रिएंट. इसमें भृंगराज एंड आंवला काई है. लिखा है प्रमोट हेयर ग्रोथ प्रिवेंट हेयर फॉल. मुझे हेयर ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे हेयर फॉल को प्रिवेंट करना है. मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ अपने हेयर फॉल से, बहुत ज़्यादा हेयर मेरे टूट रहे हैं गाइज लिटरली. तो इसकी प्राइसिंग बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत कमाल की लगी. एक्चुअली 93 रुपीज़ की है, पर मुझे 68 में मिला, ऑफर था ना, वो डिस्काउंट था. 100 ml का है ये. तो मैंने इसे परचेज किया और इसका रिव्यू जब मैं पढ़ रही थी ना, मतलब परचेज करने के टाइम पे, इसकी रेटिंग में बहुत ही अच्छा लिखा था कि अरे यार मैजिकल है, बहुत मस्त लगा ये वो. तो मैंने कहा चलो एक बार मैं भी ट्राई करके देख लूँ, शायद मेरे थोड़े से बाल बच जाएं. नेक्स्ट मैंने परचेज किया है, इसमें तो नहीं मतलब प्रोडक्ट क्या है. नेक्स्ट मैंने परचेज किया ये मेबिन बेबी लिप्स कलर ब्राइट आउट लाउड SPF लिप बाम. जोजोबा ऑयल है इसमें, विविड पीच मेरा शेड है इसमें, और इसकी प्राइस है 175. मुझे इसका क्या अच्छा लगाना, मेरे लिप बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे इस बीच, तो इसका मुझे क्या अच्छा लगा, जब मैं इसे अप्लाई कर रही थी ना, तो इसमें जोजोबा ऑयल है, तो एक एसेंशियल ऑयल होता है ना जोजोबा ऑयल, तो उसको जब मैंने इसे अपने लिप्स पर अप्लाई किया ना, तो ये मुझे काफ़ी कूलिंग सेंसेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब ये एक्स्ट्रा केयर मेरे लिप्स को चाहिए था. नेक्स्ट मैंने परचेज किया है बटन वाइल का एक सिमा ब्राउन काजल. मेरे पास एक ब्लैक कलर का है ऑलरेडी, तो मैंने ब्राउन कलर का परचेज किया. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बटन वाइल का काजल, बट ब्लैक वाला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो जाता है वाटर लाइन पे. ये उतने अच्छे से वाटर लाइन पे अप्लाई नहीं हुआ मेरे से, तो शायद मैं दूसरा ट्राई भी दूंगी. बट इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एकदम ब्राउन है, काफ़ी बढ़िया वाला. और आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी स्टिक है, मतलब शार्प करके यूज़ करना है आपको इसे. और इसमें आपको मिलता है 1.4 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट और इसकी प्राइस है 135. इसी तरह से मैंने एक लिप लाइनर परचेज किया है, अगेन ये वेट एंड वाइल्ड का ही है, और इसमें भी आपको 1.4 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं. इसमें मेरा शेड है पैप फूशिया, लिप बाम लगाया तो थोड़ा डिफरेंट कलर आ रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, इसका कलर बहुत अच्छा है एक्चुअली. तो मैंने परचेज किया है एक लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 40 UVA एंड UVB प्रोटेक्शन अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन. तो ये 2-in-1 टाइप का प्रोडक्ट है, कॉम्पैक्ट है बट सनस्क्रीन के फॉर्म में है, तो आप अपने अप्लाई कर सकते हैं फेस पे. अभी मैंने यही थोड़ा सा अप्लाई किया हुआ है, इसकी थोड़ी बहुत कवरेज भी आपको मिल जाती है, और इसका डिटेल्ड रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लोग इसे परचेज करना चाहते हैं. तो आप देखो थोड़ा बहुत कवरेज तो देता ही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने परचेज किया ये बी ब्लंट का सैलून सीक्रेट इन दी शेड 4.56 रेडिश ब्राउन. इसकी प्राइस है 185 और आपको काफ़ी सारी क्वांटिटी मिल जाती है. पसंद आए ये वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और बाकी आपको पता आपको क्या करना है. लव यू ऑल, मैं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय.